सिर्फ यहीं पर आपको डबल हम्प वाले कैमल दिखेंगे। बोल जल्दी। डाइविंग सूट पहन के रखा है ऑलरेडी। Yeah. Night coming, never sleep on me. Eyes on my chain, sugar night. Go get what you're looking at. Full night noon, hoodie, mong tong it. Go find your comfort from another, yeah. मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते सलाम सत श्री अकाल कसकाय केम छो मजामा आपने तो जोरदार होबा गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्केट। सो हे गाइस वेलकम अगेन टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग ऑन आवर चैनल राइटर तुषार दिनेश। टुडे इज द डे 14 ऑफ आवर लद्दाख सीरीज। कल रात को हुंडर में एक घंटा रूम ढूंढने के बाद हमको कुछ नहीं मिला, जो भी था नॉन अटैच रूम्स थे एंड दैट टू प्राइस्ड हायर। डिस्केट में हमको रात को रूम मिली एंड यहाँ पे रात से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारे मोबाइल या कोई भी गैजेट चार्ज नहीं है। वैसे तो मोबाइल का यहाँ कोई काम नहीं है, नेटवर्क बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा। एनीवे सुबह के 9:30 बजे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डे 14 का जर्नी। आज पहले विजिट करते हैं डिस्केट मोनास्ट्री एंड आफ्टर दैट हुंडर जाएंगे, कोल्ड डेजर्ट देखेंगे, उसके बाद विल प्रोसीड टू पैंगोंग। टुरतुक का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज जो रूम मिला है हमको ये सिर्फ आज के लिए मिला है। चलिए सो दिस इज द प्रॉपर्टी वी स्टेड लास्ट नाइट, होटल रियल सियाचिन डिस्केट नुब्रा। दिस कम्स इन नुब्रा रीजन। We are leaving our luggage bag in the hotel so that after visiting Hunder and Diskit, we'll collect it from here and move towards Pangong. सिर्फ एक टैंक बैग लेके जा रहे हैं। कोल स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा इंजन गर्म होता है तो निकलते हैं। यहाँ पे स्टिकर भी लगाना बनता है। So we got our footprints on Hotel Real CHN. Pantu bhai doing the honors. Thank you, Pantu bhai. Thank you, Pantu bhai. यहाँ तक का रास्ता तो हम बता नहीं पाए, गोप्रो चार्ज नहीं था। सो वी आर एट हुंडर डेजर्ट, इट इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। यहाँ फिलहाल तो गर्मी है बट रात को बहुत ठंडी हो जाती है। द रीजन इज पीछे बर्फ के पहाड़ है और इस टेरेन पे डेजर्ट देखना एक अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की खासियत ये है कि सिर्फ यहीं पर आपको डबल हम्प वाले कैमल दिखेंगे। ये रीजन के जो पहाड़ है ये सारे बैरन है। ये देखिए यहाँ के पहाड़, they are kind of barren desert. और वहाँ पे देखिए कैमल्स हैं, डबल हम्प वाले। टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और यहाँ पे टाइमिंग्स है, अगर आप आ रहे हैं तो सुबह 9 से 12 का टाइमिंग है और शाम को 3 से 6 का टाइमिंग है। ये देखिए सैंड ड्यून्स। Wool so that they are adaptable to this terrain. People enjoying camel ride लेंगे तो वो वहाँ पे आपको राउंड मरवाने ले जाएंगे sand dunes पे। zoom करके बताता हूँ। Species of camel, they are black, they have double hump, long long hairs, height is small. बोल जल्दी, जाने का है? जाने का है? पानी में? जाने का है। हमारे डाइवर तैयार हो रहे हैं, जो डाइविंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं अपने राइडिंग गियर्स निकाल के। ये देखिए अंदर डाइविंग सूट पहन के रखा है ऑलरेडी और ये डेजर्ट में थोड़ा बहुत बेली डांस भी हो रहा है। Thank you.
सो वी आर बैक इन डस्कट। So was waiting at Diskit for Nitin bhai and Pintu bhai. I don't know why they got late. While I was waiting here, I met a beautiful family. They are from Gujarat, Baroda. They say hi to our subscribers. And so glad to meet them. So guys, time is 1:15 p.m. in the afternoon, and we have reached Diskit Monastery. And just have a look at this magnificent view. This is Diskit village. ड्रोन नहीं उड़ा सकते सर? खेल लो भाई। तीन जन 90 rupees। कितना? 90। So there is an entry fee of 30 per person, but right now just have a look. Flying drone is prohibited as per the restrictions imposed by the government order at this border area. I was hoping कि ड्रोन उड़ाने मिले और बुद्धा जी की मूर्ति के नजदीक में ड्रोन उड़ाऊ। हालक। चलिए हम घूम के आते हैं मोनेस्ट्री, नो इश्यूज। So the statue here is known as Maitreya Buddha. It is 106 feet. Entry to this monastery is 30 rupees per person. Just have a look at this. We have arrived. This is so beautiful. It is huge, humongous Buddha statue. Ye backside hai. Let's park our bikes here and go up there. So we are here at Diskit Monastery और हम खड़े हैं ये स्टैचू के नीचे। यहाँ पे टेम्पल में जाने के लिए अंदर रास्ता है और हमारे साथ है यहाँ के मॉन्क। आपका नाम सर? ठिल्ले। ठिल्ले जी नमस्ते सर, यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? ये जो मोनेस्ट्री है, डिस्किट मोनेस्ट्री है, ऑल मोनेस्ट्री तो उधर है जहाँ से आप दूर से देख रहे हैं ना जी। 14th century का है ये, फाउंडेड बाई चांसेप शेरा जम्पो। ओके ये थिक्से मोनेस्ट्री का ब्रांच है। ओके 70 मॉन्क्स इधर रहते हैं, 5वीं क्लास तक इधर होते, उसके बाद साउथ इंडिया में जाते हैं स्टडी के लिए। अच्छा। हाँ जी जी। फिर ये जो स्टैचू है 2007 में बनाया, 2010 में दलाई लामा जी ने इनॉग्रेशन किया था। राइट। हाँ जी, 2010 में दलाई लामा जी ने ये स्टैचू का इनॉग्रेशन जो खत्म हो गया 2010 में दलाई लामा जी ने इनॉग्रेशन किया था जी सर। स्टैचू जो है 106 फीट का है। 106 फीट का मैत्रेय बुद्धा कहते हैं, फ्यूचर बुद्धा कहते हैं। हाँ जी, नुब्रा विले में सबसे ओल्ड मोनेस्ट्री यही मोनेस्ट्री है, डिस्किट मोनेस्ट्री है। डिस्किट मोनेस्ट्री सबसे ओल्ड, स्टैचू भी सबसे बड़ा है जी। जो बनाया जो लद्दाख के जो मिस्त्री, लोकल मिस्त्री आता है ना जी, उसी ने बनाया है। यहाँ के लोकल मिस्त्री कह लो, उन्होंने ये बनाया जी सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, शुक्रिया। टाइम राइट नाउ इज 3 PM, भूख लग गई है, डिस्किट वापस आ गए, मोनेस्ट्री गए थे ऊपर, और यहाँ डिस्किट का जो जंक्शन है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है लाइन में, एंड वी आर सिटिंग इन वन ऑफ देम। वी हैव ऑर्डर फूड फॉर अस, मटर पनीर एंड रोटी। तो हे गाइस, लंच करके बज गए 4:30 और इस टाइम पे पेंगोंग जाना रेकमेंडेड नहीं है, इट इज नॉट सेफ टू गो पेंगोंग। अगर आपको जाना है तो दोपहर को 2 बजे से पहले निकल जाना चाहिए,
ऑफ रोड है, अगर बीच में छोटी मोटी भी कोई हेल्प चाहिए तो नहीं मिलेगा। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू स्टे इन डिस्किट अगेन इन द सेम होटल बट इन अ डिफरेंट रूम। ये सेकंड फ्लोर पे है, व्यू भी बहुत बढ़िया है। द डाउन साइड इज इट इज अ नॉन अटैच रूम और ये एक ही रूम खाली है। सो एनीवेज रूम दिखाता हूँ और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू है हमारे रूम से एंड इट इज हैविंग 3 sides ओपन। उधर का भी व्यू दिखाता हूँ और ये सामने मोनेस्ट्री है। ये ग्रीनियर, ये साइड का भी व्यू देख लीजिए। और यहाँ का फिक्स है कि एवरी डे रात को 11 बजे लाइट चला जाता है टिल मॉर्निंग 6। कल तो हमने कोई गैजेट्स वगैरह चार्ज नहीं किए थे और ना ही कल हमको चार्ज करने मिलेंगे पेंगोंग पे, तो बेटर है कि आज सारे गैजेट्स भी चार्ज कर ले। चलिए, क्या बोलते हैं पेंटू भाई? यस सर।